हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद ज्ञान। स्वागत है आपके इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले में वीडियो में और आगे जितने भी प्रोसेस हैं उसमें आपकी हेल्प करने वाला हूँ। सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी कम है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ औसतन अपनी आधीतर वीडियो में मैं सब्सक्राइबर के लिए बेसिकली नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बहरहाल बात हम करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कि जी IIIT, NIT एंड GFTI में ट्रिपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या कटअप रहती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की भी। ईडब्ल्यूएस की प्रीवियस ईयर कटअप नहीं है, तो मैं आपसे बता दूँ कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस के सिर्फ 1500 सीटें रिजर्व हैं, तो कटअप काफ़ी कम बढ़ेगी। जनरल के हिसाब से चलेगी कुछ 5 से 10 साल तक की, ऊपर के ब्रांच तक जाते जाते कटअप की रैंक इंक्रीज हो सकती है। नीचे के लिए ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1500 सीटें रिजर्व है ईडब्ल्यूएस की, जो कि काफ़ी कम है। और आप ब्रांच वाइज देखें तो कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 200 से 300 सीटें रिजर्व होंगी पूरे कॉलेज मिला के, और इसी तरह से हर ब्रांच का देख लें तो सिर्फ 100 से 200 सीटें रिजर्व है पूरे NIT मिला के। तो एक NIT में औसतन आप देखें तो 4 से 5 सीटें सिर्फ रिजर्व हैं एक ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट सिर्फ रैंक अपना जनरल से ही कंपेयर करें, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इतना नहीं कि आप 5 से 10 हज़ार तक गैप ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या कटअप रहती है IIIT, NIT और GFTI में। जनरल की बात करते हैं, जो बेसिकली सबसे नीचे जो सबसे कम रैंकिंग पे जाती है वो जाती है NIT ट्रिची, जिसका रैंक है 3474 यानी 3474 जो कि जाती है NIT ट्रिची की। उसके बाद जाता है NIT सूरत कल का 5819 भी इलेक्ट्रिकल, NIT वारंगल का 6038 पे, और यही तीनों टॉप के NIT हैं जो कि आपको प्लेसमेंट IIT के जैसे आपको दिलवा सकती हैं। अलाहाबाद बेसिकली 8288 पे, NIT राउरकेला 9000 पे, और बेसिकली NIT नागपुर आपको मिल जाता है 11000 पे, और जयपुर आपको मिल जाता है 11487 पे। इसी तरह से आप जा सकते हैं NIT दिल्ली, बेसिकली आपको 13733 पे मिल रहा है। नेक्स्ट थी NIT कुरुक्षेत्र 15000 पे, NIT दुर्गापुर 15000। इसी तरह से आप सारी देख सकते हैं। और ये जो बिट मिश्रा देख रहे हैं, इसको मैंने कवर भी किया हुआ है, अगर आप देख लें बिट मिश्रा काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और बिट मिश्रा बेसिकली GFTI आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे, बता दें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बीट मिश्रा वाली जो दिख रहा है, तो बीट मिश्रा में अगर मैं कवर किया हुआ है एक, ये बेसिकली GFTI कॉलेज है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो बेसिकली NIT IIIT जैसी है। ठीक है, तो अगर आपको बीट मिश्रा में कोई ब्रांच मिल रहा था उसे कंसिडर करें कि आप उसे लेंगे। ठीक है, IIST सिपुर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी एक GFTI है, ना कि NIT IIIT है। पेक चंडीगढ़ एक GFTI है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब देख सकते हैं पेक चंडीगढ़ की जो कंप्यूटर साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कम मानी गई है उसे बिट मिश्रा से, 1000 रैंक कम है, लेकिन इसे पेक चंडीगढ़ की कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। इस तरह से NIT पटना की बेसिकली 24 के अराउंड जा रही है, और NIT पुडुचेरी की बेसिकली 24 के अराउंड, NIT उत्तराखंड के लिए 26, मेघालय के लिए 34, अहमदाबाद IIIT RIM बेसिकली 36, NIT मणिपुर 38, और जो सबसे ज़्यादा जा रही है MBDU माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बेसिकली कटरा में है, और इसकी जो बेसिकली रैंक जा रही है 58776 जनरल के बच्चों के लिए। आप यहाँ मान सकते हैं OBC आपको यहाँ तक 65 या 70 तक मिल जाएगा, लेकिन देखिए GFTI ना उतनी अच्छी नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ अगर आपके GFTI से आपको स्टेट कॉलेज अगर कोई अच्छे मिल रहे हैं, तो स्टेट कॉलेज के लिए बेसिकली GFTI उतनी भी अच्छी नहीं होती है, टॉप के 5-6 GFTI ही काफ़ी अच्छी हैं, उसके बाद बेसिकली बेकार ही हैं। इवन NIT में भी टॉप की 25 NIT अच्छी हैं, उसके बाद जो NIT हैं उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी स्टेट में कोई कॉलेज मिल रहा है तो वो ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं आप NIT NIT एंड GFTI के मुकाबले। OBC की बात करें, OBC हम सकते देख सकते हैं NIT ट्रिची बेसिकली 1194 पे, NIT वारंगल 1922 पे, NIT सूरतकाल 1938 पे, और बेसिकली इसी तरह से चल रही है OBC में। और सबसे लास्ट की जो सबसे मिल रही सीटें वो इसी चल रही हैं SOET HANB 18605 पे। अब बात कर लेते हैं SC की, सबसे कम गई NIT ट्रिची की 531 पे, NIT वारंगल 818 पे, और बेसिकली आप देख सकते हैं सभी SC जा रही हैं कटअप, सारी कटअप SC जा रही हैं, और बेसिकली बिट मिश्रा देख रहे हैं 5910 पे, ST की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह से सॉरी SC की बात कर रहा हूँ मैं, NIT सिक्किम 7074, और NIT नागालैंड 7952, IIIT RIM अहमदाबाद 8556, एंड जो सबसे ज़्यादा गई है SOET चारूस कैंपस HNB, ये बेसिकली है 12000 पे रैंक पे गई है। ये देख सकते हैं ये भी एक श्रीनगर का एक GFTI है, इसमें सीटें काफ़ी कम हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली सिर्फ 16 सीटें हैं। मैं सिर्फ लास्ट ST की बात कर लेता हूँ, ST में देख सकते हैं 219 3 डिजिट में सारी, बेसिकली NIT गोवा में 4 डिजिट पे आई है,
और सबसे जो लास्ट है वो बेसिकली कौन सा कॉलेज है, वही है SOET जो कि एक GFTI है 71416। तो अगर आपको NIT तक देखना है तो NIT नागालैंड 3700 पर बंद हो जाती है, यानी 3700 आपकी रैंक है तो आपको NIT नागालैंड में मिल जाएगी, वो भी NIT नागालैंड आप जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो के अंत में बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी आगे इन्फॉर्मेशन जानना है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।